हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर शारदा, डॉक्टर शारदा होम्योपैथी में आप सभी का काफ़ी स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में। आजकल बोरिंग का पानी या हाई मिनरल का जो पानी होता है वह हमारे कंजम्पशन में काफ़ी बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी जो ग्राउंड वाटर का जो हम निकालते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिनरल्स होते हैं और वही हम कंज्यूम करते हैं। बड़ी बड़ी सोसाइटी के अंदर नॉर्मल जो पानी होता है, कॉरपोरेशन का जो पानी होता है, वह सफिशिएंट नहीं होता है। इसके लिए ग्राउंड वाटर मिलाया जाता है और मुख्यतः यही कारण है कि बहुत सारे मिनरल्स कॉन्सेंट्रेट होने की वजह से किडनी में से वो फिल्टर नहीं होते हैं और स्टोन की प्रॉब्लम बढ़ गई है। आजकल बच्चों में भी मैं स्टोन्स देखती हूँ, छोटे छोटे बच्चे 8 साल के 10 साल के, उनको भी यह प्रॉब्लम हो रही है। फ्रेंड्स, अभी इसको कैसे करना है, बहुत लोग ऑपरेशन की तरफ चले जाते हैं, लेकिन होम्योपैथी में इसका बहुत सरल और सादा उपाय अवेलेबल है। बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं, मैं डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर देखती हूँ। इवन 2 घंटे से 24 घंटे के अंदर मैंने काफ़ी सारे स्टोन पेशेंट्स के रिमूव किए। ऑफकोर्स उसके अंदर साइज मैटर करता है, यूजुअली 4 to 6 mm के स्टोन्स आराम से जल्द से जल्द रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन यदि स्टोन बड़े हैं तो उनको कुछ दिनों तक मेडिसिन देनी चाहिए ताकि वह धीरे धीरे पिघलने लगे और पूरी तरह से नष्ट हो जाए। फ्रेंड्स, कुछ टॉप 5 मेडिसिन्स हैं जो मैं हमेशा देती हूँ, आज उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मेडिसिन्स है बर्बेरिस वल्गैरिस। इसको मदर टिंचर में भी दिया जाता है और इंटरनल हाइपोटेंसिस में भी दिया जाता है। तो बर्बेरिस वल्गैरिस इज़ नंबर 1 मेडिसिन फॉर किडनी स्टोन। सेकेंड मेडिसिन इज लाइकोपोडियम। इसको भी हाई पोटेंसी में देते हैं तो यह स्टोन को पुश करने के लिए बहुत ही गुणकारी है। तीसरी मेडिसिन है कल्केरिया रिनालिस। जैसे नाम सजेस्ट करता है, यह रिनल पर ज़्यादा काम करती है और स्टोन एक्सपेल करने में हेल्प करती है। फ्रेंड्स, यूजुअली हाई पोटेंसीज में प्रीफर करती हूँ, क्योंकि उससे धक्का जल्दी से लगेगा, हाई पावर में काम करती है और जल्दी जल्दी रिजल्ट्स मिलते हैं। चौथी मेडिसिन सरसा परेला। यहाँ यदि आपका स्टोन बड़ा है तो उसको धीरे धीरे गलाने के लिए, मतलब उसको डिजॉल्व करने के लिए हेल्प करती है। और लास्ट मेडिसिन वह होती है तो हाइड्रेंजिया मेडिसिन। उसको भी मैं इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरफ से देती हूँ। मदर टिंचर बर्बेरिस वल्गैरिस का और हाइड्रेंजिया का दोनों को यदि मिलाकर दिया जाए तो भी उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, यह 5 मेडिसिन तो ज़रूर है किसी भी किडनी स्टोन के पेशेंट्स के लिए, तो यह मेडिसिन ज़रूर देनी चाहिए। इसके अलावा मैं कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी देती हूँ, जो मतलब आपका शरीर की बनावट कैसी है, आपके विचार कैसे हैं, सोच कैसे हैं, रिएक्शंस कैसी है, यदि आप यह ध्यान में लेते हैं पर्सन की, तो उसके अनुसार वो कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ मेडिसिन बनती हैं, जैसे फॉस्फोरस हो गया या कल्केरिया कार्ब हो गई या सल्फर हो गया। तो यह मेडिसिन देने से आगे जो स्टोन बढ़ने की जो टेंडेंसी है वह लगभग समाप्त हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह मेरे वीडियोस आप देखते रहिए। हेल्थ के संबंधी कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछते रहिए, हमारा नंबर दिया हुआ है। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग डॉक्टर शारदा होम्योपैथी। उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हेल्थ की बहुत सारी ढेरों इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल है, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए हम हमेशा देने के लिए तैयार रहिए। स्वस्थ रहिए, होम्योपैथी लीजिए। थैंक यू सो मच।